तो आज हमारी लास्ट लैब है SSRF की, जिसका नाम है SSRF विद व्हाइटलिस्ट बेस्ड इनपुट फिल्टर। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनी ऑन हैक्स। जैसे कि हम बात कर रहे हैं हमारे ओवर स्टॉप 10 सीरीज की, ओवर स्टॉप 10 में हमने हमारा ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल कंप्लीट कर लिया है। एंड इसके बाद जो आज हमारा जो टॉपिक है वो है SSRF, जो कंप्लीट हो जाएगा। तो SSRF कंप्लीट होने के बाद हम बात करेंगे हमारे इंजेक्शन पार्ट की, जिसमें हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और एसक्यूएल इंजेक्शन पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी लैब की ओर। तो ये मेरी लैब है, इस लैब को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखा है, जिसमें बोला गया है कि हमें जो है कार्लोस को, इस एक यूजर है, उसे डिलीट करना है इस लैब में। तो ये लैब मेरी ओपन हो चुकी है। ओपन होने के बाद मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद मैं अपना वेबसूट ओपन करता हूँ, वेबसूट, एंड इसको करता हूँ मैं साइड में। ओके, तो ठीक है, फिर मैं इसको इसका फॉक्सी प्रॉक्सी ऑन करता हूँ एंड वेबसूट पे सेट करता हूँ डन। एंड ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार इसे करते हैं रीलोड, लेट्स चेक इट्स वर्किंग। यस, इट्स वर्किंग फाइन। ओके, तो हम आते हैं हमारे व्यू डिटेल पे। व्यू डिटेल पे आने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास है एक चेक स्टॉक ऑप्शन, जिस पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये स्टॉक चेक करता है। स्टॉक कैसे चेक करता है चलिए देखते हैं। मैं इंटरसेप्ट ऑन किया, देन क्लिक ऑन चेक स्टॉक। अब ये चेक स्टॉक करने के लिए ये एक इंटरनल यूआरएल यूज कर रहा है, पोर्ट 8080 पे, आप देख सकते हैं। ओके, तो ठीक है, फिर चलिए मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसको राइट क्लिक करके रिपीटेबल शेयर करता हूँ एंड इसे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं रिपीटर में आता हूँ, इसे करता हूँ। अच्छा, ओके, तो रिपीटर में आने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसे सेंड किया, उसने स्टॉक दिखा दिया। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं चेक करता हूँ यहाँ पर लोकल होस्ट ऐड करके कि क्या लोकल होस्ट डायरेक्ट ओपन हो रहा है या नहीं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि इसके बिना ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, कोई नहीं, इसे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर मैं करता हूँ @Ctrl+V। अब चेक करते हैं, चलिए। यस, ओके, इट्स सेइंग 500 इंटरनल एरर, दैट मींस यहाँ पर रिक्वेस्ट जा रही है पर वो पहुंच नहीं पा रही। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ हमारा पोर्ट 80। ये प्रॉपर लोकल होस्ट है हमारा। अब चेक करते हैं इसे। ओके, इंटरनल सर्वर, ठीक है। तो अब मुझे जो है बाईपास करना है हमारी लोकल होस्ट इस यूएल के साथ यूज करके। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो है एक हैश ऐड करूँगा। हैश क्यों ऐड करते हैं, हैश का यूज होता है ब्रेक लगाने को। रिक्वेस्ट हमारी जाएगी इन सब के साथ, बट ये जो हमारा लोकल होस्ट है यही वर्क करेगा इस ब्रेक के लगने के बाद। चलिए चेक करते हैं। ओके, दैट मींस रिक्वेस्ट जा रही है। ओके, अब मुझे हमें इसे बाईपास करना है। बाईपास करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट। तो यहाँ पर आप ये हैश देख रहे हैं, इसको मुझे करना होगा इनकोड। तो मैं इस इनकोड कैसे करूँगा, डिकोडर में आके मैंने यहाँ पर हैश लिखा और एक बार इसे किया इनकोड। इनकोड होने के बाद देख सकते हैं मैंने इसे किया कॉपी और इसे यूज किया यहाँ पर Ctrl+V। लेट्स चेक इट्स वर्किंग ऑन आउट। ओके, सेम। तो इसे मैं एक बार और इनकोड करता हूँ,
ये रहा कंट्रोल सी और ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है हैश को डबल इनकोड किया बिकॉज हमारा यहाँ पर जो हैश की वैल्यू थी वो फिल्टर थी फायरवॉल से, जिसकी वजह से हमारा फायरवॉल उसे ब्लॉक कर रहा था। और डबल इनकोड करने के बाद चेक करते हैं क्या वर्क करता है नहीं। ओके हमें 200 रिस्पॉन्स मिला है। लेट्स चेक। यस बट यू कैन सी हमें एडमिन पैनल मिल गया है। तो ये हमारा पैनल है, इसे हम करते हैं कॉपी। आप देख सकते हैं हमारे पास एडमिन पैनल तो आ चुका है, बट यहाँ पर हमारे पास और कुछ नहीं है। हमें यहाँ पर फाइंड करना है यूजर नेम। चलिए फिर आते हैं अपने इस पे, इसे साइड में करते हैं। देन गो टू प्रॉक्सी। प्रॉक्सी आने के बाद इंटरसेप्ट किया ऑन। देन यू कैन सी चेक स्टॉप। हमने चेक स्टॉप पे क्लिक किया और हमें यहाँ पर मिल गया हमारा सिम यूआरएल। हमने इसे डिलीट किया और अपना हमने मलेशियस यूआरएल यहाँ पर ऐड किया। मलेशियस यूआरएल को ऐड करने के बाद अब आप देख सकते हैं ये फॉरवर्ड। फॉरवर्ड करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास एडमिन पैनल आ गया। यू कैन सी तो अब एडमिन पैनल तो हमारे पास आ गया है। अब हमें चाहिए हमारा इस पैनल के अंदर के यूजर नेम, वो कैसे मिलेंगे चलिए बात करते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, वो करूँगा इंटरसेप्ट एंड लेट्स चेक। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं एंड एडमिन पैनल। यू कैन चेक या स्लैश एडमिन। ओके ग्रेट। तो अब मैं क्या करूँगा, सीधा ऊपर जाऊँगा, अपना इसको ओपन करूँगा। देन इंटरसेप्ट ऑन, परस्यूट ऑन एंड चेक स्टॉप। यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं आप, मैंने इसको फिर से किया एंड कंट्रोल वी। नाउ वी हैव टू टू स्लैश एंड राइट एडमिन, क्योंकि हमें अब एडमिन पैनल में एंटर होना है, इसलिए तो मैं इसे कहते फॉरवर्ड। ओके ग्रेट। यू कैन चेक कार्लोस ऑप्शन इज फाइन। तो हमारे पास ये ऑप्शन आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक सेम एंड क्लिक किया फाइंड कार्लोस। यू कैन सी हमारे पास ऑप्शन आ चुका है कार्लोस को डिलीट करने का। तो सेम थिंग हम फिर से करेंगे, इसको मैंने साइड में किया, इंटरसेप्ट ऑन, चेक रिक्वेस्ट, इसको किया डिलीट, कंट्रोल पी। ओके एंड चलिए अपने टारगेट तो ले लेते हैं एक बार। प्रॉक्सी एंड कंट्रोल वी। अब आप देख सकते हैं लोकल होस्ट हैस हमारा इंटरनल यूआरएल स्लैश एडमिन एंड डिलीट अकाउंट, इसको मैंने सेम किया एंड फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड। ओके नाउ गो टू होम। यू कैन सी We have successfully solved this lab. तो हमने हमारा SSRF टॉपिक भी अब कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा क्रॉस साइट स्क्रिप्ट और SQL इंजेक्शन, इनमें से कोई हम पार्ट लेंगे। ओके तब तक के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।